हेलो गाइज, हेलो, वेलकम टू माई युट्युब च्यानल दार्जिलिङ सुरज राइडर। बडको नमस्कार छ तपाईँहरू दोस्तको, हाई हेलो। सुबह सुबह आपका भाई मन्दिर दर्शन कर चुके हैं और मन्दिर में मोबाइल कुछ भी अलाउ नहीं है, इसीलिए सुबह में वीडियो नहीं कर पाया। और आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ यहाँ से बहुत ही सुंदर जगन्नाथ मंदिर। दिस इज द मेन मंदिर द्वार, सो एंट्रेंस यहीं से होता है। अभी यहाँ पे बंद है, सो अभी आपको घूम के जाना पड़ेगा दर्शन के लिए। और सुबह तो हम दर्शन कर लिए, कैमरा अलाउ नहीं है, अभी कर रहे हैं यहाँ का वीडियो। सो आप लोग भी यहाँ से जगन्नाथपुरी भगवान का दर्शन कीजिए। जय जगन्नाथ भगवान की जय। ब्यूटीफुल जगन्नाथपुरी भगवान। दिस इज द मेन मंदिर द्वार, सो एंट्रेंस यहीं से होता है। अभी यहाँ पे बंद है, सो अभी आपको घूम के जाना पड़ेगा दर्शन के लिए। और सुबह तो हम दर्शन कर लिए, कैमरा अलाउ नहीं है, अभी कर रहे हैं यहाँ का वीडियो। सो आप लोग भी यहाँ से जगन्नाथपुरी भगवान का दर्शन कीजिए। जय जगन्नाथ भगवान की जय। ब्यूटीफुल जगन्नाथपुरी भगवान। मंदिर के दर्शन के लिए अभी तो खाली है, फिर भी आना जाना लगा ही रहता है दिन भर मंदिर का। और हम जा रहे हैं अभी यहाँ का, और ये जगन्नाथपुरी भगवान का मिठाई प्रसाद यही है। गाइस, आपका भाई अभी जगन्नाथपुरी पे है और जगन्नाथपुरी पे चक्कर लगा रहा है, क्योंकि सुबह वीडियो कर नहीं पाया था ना आपका भाई, तो अभी आप लोग के लिए कर रहा है वीडियो। सो जितना भी हो सके बाहर से जगन्नाथपुरी मैं दिखाऊंगा, क्योंकि अंदर तो कैमरा अलाउ नहीं है। कोई चीज़ भी, जितना भी गैजेट है, कुछ भी ले जाने नहीं सकते अंदर। सो इसीलिए वीडियो नहीं कर पाए अंदर का गाइस। फिर भी जो जितना बाहर से दिखा सकता हूँ मैं, वो आप लोग के लिए दिखा दूंगा। तो स्टे ट्यून्ड विद दार्जिलिंग सुरज राइडर गाइस। देखिए ये गाइस, ब्यूटीफुल जगन्नाथ भगवान का मंदिर। और अंदर फोन ले जाने का इजाज़त नहीं है, इसलिए मैं सुबह वीडियो कर नहीं पाया, तो अभी आपके लिए मैं वीडियो कर रहा हूँ। और यहाँ पे सभी रेनोवेशन हो रहा है जगन्नाथपुरी मंदिर। और ऐसे भगवान जगन्नाथपुरी मंदिर, और बहुत ही भव्य, जो ऊपर में झंडी दिख रहा है, फ्लैग भगवान का, वो हर रोज़ चेंज होता है। अगर सपोज़ कोई दिन जगन्नाथपुरी भगवान का झंडा चेंज नहीं हुआ, तो 12 साल के लिए मंदिर बंद हो जाएगा गाइस, वो जो दिख रहा है। सो ये है यहाँ का। ब्यूटीफुल मंदिर गाइस, ये दक्षिण द्वार, लेकिन अंदर अलाउ नहीं है कैमरा, तो यहीं से दिखा दूंगा आपको मैं। ये है दक्षिण द्वार, अभी हम दक्षिण द्वार, नो मार्क्स नो एंट्री और वीडियोग्राफी यहाँ पे अलाउ नहीं है गाइस यहाँ पे। फिर तो चलिए चलते आगे गाइस। अभी हम आगे जा रहे हैं फ्रंट गेट की तरफ मंदिर का, क्योंकि यहाँ पे देखिए जितना भी देख पा रहे हैं आप, रेनोवेट हो रहा है। और आने साल में यहाँ पे बहुत ही सुंदर आप जगन्नाथपुरी का दर्शन कर पाएंगे, बहुत ही सुंदर। और यहाँ पे जहाँ देखेंगे मंदिर ही मंदिर है ढांचा गाइस, इधर मंदिर उधर मंदिर, ऐसा है जगन्नाथपुरी। भाई आज है जगन्नाथपुरी पे, किसके साथ? मेरे दीदी है, हम चारों फैमिली टूर पे है। जय जगन्नाथ करते हुए हम जा रहे हैं अभी। तो यहाँ मैं आपको ब्यूटीफुल जगन्नाथपुरी मंदिर
और अंदर तो अलाउ नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे बहुत ही बढ़िया बढ़िया फ्रेम वगैरह मिल जाएगा सेल करता हुआ। देखिए और मंदिर आगे में देखिए, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, देखिए कितना सुंदर। तो गाइस जगन्नाथ भगवान के लिए प्रसाद ऐसे मिलता है यहाँ पे, दुकान देखिए, और इसको खाजा बोलते हैं। सभी जन भोग प्रसाद के लिए बैठे हैं यहाँ पे, और भोग प्रसाद के लिए बैठे अभी हम सब को, यहाँ पे भोग प्रसाद हो रहा है। पिज्जा शुरू हो चुका है गाइस, और ये है भोग प्रसाद यात्री निवास। जय जगन्नाथ। तो गाइस भंडारा आ गया, भंडारा खा रहे हैं अभी हम, हल्का ले लिया हम, एकदम हल्का। ये महाप्रसाद जो भगवान को भोग लगता है वही प्रसाद हम ले रहे हैं जगन्नाथपुरी में। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दार्जिलिंग सुरसाइड। गाइस अभी हम है यहाँ पे यात्री निवास पे, तो लाल मोरिया असम पांडा के यहाँ पे हम गए थे, और बहुत ही अच्छा। अगर आप लोग नेपाली लोग बहुत बहुत दूर से आते हैं तो आप लोग यहाँ पे आराम से रह सकते हैं, वो भी सस्ते दाम में, और बहुत ही अच्छा अच्छा रूम है। और एक चीज़ यहाँ का फ़ायदा क्या होता है कि अगर आप यहाँ पे रहेंगे आपको पंडित जी तो मिल जाएगा, और एक चीज़ क्या है, पंडित जी के साथ साथ आपको जो भोग प्रसाद है वो मिल जाएगा यहाँ पर खाने के लिए। सो आपको मैं दिखा रहा हूँ ये कहाँ पर है, दिस इज़, ये देखिए सुंदर ऐसा है यहाँ का, और ये लिखा हुआ है यहाँ पे नाम, और गाइस पार्किंग का भी सुविधा है यहाँ पे बहुत ही सुंदर, और गाड़ी लेके आ सकते हैं आप यहाँ पे, बाइक वगैरह लेके आ सकते हैं। असम यात्री निवास लाल मोरिया नेपाल पांडा। सो अगर आप लोग यहाँ पे रहना चाहते हैं तो मैं कॉन्टैक्ट नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग यहाँ पर आके बैठ सकते हैं। गाइस टुडे इज माय लास्ट डे यहाँ का, और हम आज घूमने जा रहे हैं कोणार्क वगैरह, चलिए चलते हैं थोड़ी देर बाद घूमने के लिए। सो गाइस ये रूम है जहाँ पे हम रहे थे, और एकदम ही नज़दीक पड़ता है रूम दीदी बाहर आती हुई। अंदर ऐसा है ब्यूटीफुल, साफ सुथरा, और बहुत ही अच्छा है रूम वगैरह। गाइस यात्री निवास ऐसा है कि हर एक रूम आपको कैबिन मिल जाएगा, अपना अपना रूम मिल जाएगा। सो मेरा रूम चलिए दिखाते हैं आपको। सो हम जा रहे हैं अपने रूम की ओर, और हमने लिया था 118। सो देखिए सुंदर। हेलो दीदी, क्या बात है? अच्छा, सो ये, और बहुत ही अच्छा है, फैन भी है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही साफ है।
चलिए चलते नीचे, कैसा है दिखाते हैं आपको। ये सब रूम है गाइस, और खाना भी मिलता है यहाँ पे आपको, प्योर वेज थाली, वेजिटेरियन के लिए सस्ता और अच्छा। अगर पूरी आएंगे तो जरूर आइए आप लोग भी यहाँ पे।